आज हम गए थे नर्सरी, वहाँ से कुछ प्लांट्स खरीद के लाए हैं और वहीं से ही ये सूखी ब्रांच भी हमने सोचा ले चलते हैं। इसका करेंगे हम DIY, बट इस DIY का वीडियो यहाँ नहीं शेयर करने वाले हैं, उसे हम शेयर करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जयान के हेयर्स ग्रोथ बहुत ही कम है, तो सोच रहे हैं आज हम इसका हेयर कट करवा दें। एक्चुअली जब रुशान छोटा था सेम ऐसे ही बाल उसका था, बट मैंने उसका 8 से 10 बार बाल हटवा दिया, जिसकी वजह से अब उसका बाल बहुत ही अच्छा निकला है। तो शेव करवाने से बहुत ही फर्क पड़ता है। छोटे में ही अगर आप बालों पे ध्यान दे दें तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है, नहीं तो बड़े होने के बाद फिर कौन शेव करवाता है, शर्म आती है। इसलिए हमने सोचा है जब तक जयान का हेयर ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा तब तक हम इनका शेव करवाते रहेंगे। जयान का हेयर कट हो चुका है और अब हम लगाने जा रहे हैं अपना बनाया हुआ होममेड ऑयल, जो कि हेयर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एंड हेल्दी ऑयल है। इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। देखो, बाल तभी अच्छे हमेशा रहते हैं जब उसके साथ प्रॉपर केयर की जाए। सो मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक इसी तरह से अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, द रीज़न इज़ आप प्लांट्स को प्रॉपर टिलिंग, कटिंग एंड फर्टिलाइजिंग नहीं दे रहे हैं। मेरा काम है हफ्ते में एक बार प्रॉपर प्लांट्स को चेक करते रहना, क्योंकि ये लाइव प्लांट है, अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो सारे प्लांट्स आपके डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स के रिपॉट कर रहे हैं। जो प्लांट्स बड़े हो गए हैं उसे हम बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर रहे हैं एंड जो छोटे हैं उसे छोटे में ही रख रहे हैं। और अब हम लगाने जा रहे हैं इस हैंगिंग प्लांटर में मनी प्लांट्स। इसे लगाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने ये मनी प्लांट्स की एक ब्रांच ले ली है। अब इस ब्रांच में से 2-3 स्टिक कट करके निकाल लेंगे और इसी स्टिक में आप देख सकते हैं कि रूट्स जो निकली हुई है, इसी रूट्स को हम लगा देंगे सॉइल में। ऐसे तो मनी प्लांट्स की ग्रोथ पानी में भी बहुत अच्छी होती है, मैक्सिमम हमने इसे पानी में ही लगा के रखा है अपने घर पे। और देखें कि हमने स्टिक को प्रॉपर मिट्टी में इसकी जड़ को लगा दिया है। इसी तरह से हम सारी स्टिक को लगाते जाएंगे। तो देखा कितना आसान है मनी प्लांट्स को प्रोपोगेट करना। अब लास्ट में इसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे ताकि जड़ अच्छी तरह से पकड़ ले। ये है वाटर डिस्पेंसर जो यूजलेस है। अब इसका यूज़ हम सोच रहे हैं नीचे वाले पोर्शन का बना ले प्लांटर, और ऊपर वाले का अभी हम आप लोगों से आगे की वीडियो में शेयर करने वाले हैं DIY। तो देखिए, नीचे वाले प्लांटर में हमने मिट्टी डाल दिया है एंड ये है क्रोटन का प्लांट। इसकी भी ब्रांच काफ़ी बड़ी हो गई है। सेम जिस तरह से हमने मनी प्लांट्स लगाया है उसी प्रोसेस से इसको भी हम करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी रूट्स निकली हुई है, बस सिंपल इसे कट करके निकाल लेना है। सेम उसी तरह से इसे भी मिट्टी में लगा देना है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऊपर से कंपोस्ट, अपसेट होने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी शावर कर रहे हैं। तो देखा कितना अच्छा ये प्लांटर का काम कर गया। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था उसका हम क्या बनाने वाले हैं वो भी देख लीजिए। इसके ऊपर वाले पोर्शन में हम ग्लू गन की हेल्प से इस बोल को लगा देंगे और उसके बाद फिर हम एक्रेलिक पेंट से पेंट कर देंगे। पूरे में व्हाइट पेंट कर दिया है, अब इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद अब हम इसमें करेंगे ऑयल पेंट। तो यहाँ पे हम ब्लैक ऑयल पेंट यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी आती है। पेंट ड्राई हो गया है, अब हम इसके जॉइंट वाले पोर्शन पे लगा रहे हैं ये वाइट रोप। इससे थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे 2-3 times हमने लगा दिया है। सेम इसी तरह से हम नीचे लगा देंगे जिससे कि थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा आ जाए। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन में डिज़ाइन के लिए फ्लावर्स बना रहे हैं। रेड एक्रेलिक कलर से हम यहाँ पेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर से वाइट शेड दे रहे हैं। फ्लावर्स के मिडिल वाले पोर्शन पे लगा देंगे ये स्मॉल वाले मिरर। इस तरह से वेस्ट पड़ी चीजों से ये बेहतरीन प्लांटर बनके रेडी है। अब हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि होममेड कंपोस्ट हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिया है ये कंडा जिसे हम कहते हैं काऊ केक। इसे हमने मार्केट से सिर्फ 10 रुपए में मंगवाया है। इसे हमने पानी में सोख के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। अब इसे अच्छी तरह से फोड़ लेंगे। बेटे के रूम का जब हमने डीप क्लीनिंग किया था तो वेस्ट बुक को हमने अलग करके रख दिया था। अब इन बुक्स के पेपर एंड पुराने न्यूज़पेपर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे ले रहे हैं किचन के वेस्ट जिसे हमने इकट्ठा करके रखा था, जैसे कि मटर के छिलके, लहसुन, प्याज, अंडे, केला, सेब और हरी सब्जियों के डंठल। तो देखिए इस तरह से हम इसे रेडी कर लेंगे, पेपर, किचन वेस्ट, गोबर की खाद, मिट्टी को। जिस बकेट में हमें कंपोस्ट बना के रखना है, मेक श्योर उस बकेट में होल होना चाहिए। अब इसमें जो पहली लेयर हम डालने जा रहे हैं वो है मिट्टी की, जो कि कैटलिस्ट के तरीके काम करेगा और किचन वेस्ट तेज़ी से डिकम्पोस्ट होगा। सेकेंड लेयर किचन वेस्ट, थर्ड लेयर कंपोस्ट की होगी एंड फोर्थ लेयर पेपर की होगी। इसी तरह से आपको करते जाना है। नर्सरी में जो कंपोस्ट मिलते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना घर पे ही बना के रख लेते हैं। और वैसे भी ये जो कंपोस्ट है प्लांट्स के लिए बेस्ट होती है। एंड मेक श्योर लास्ट वाली जो लेयर होनी चाहिए वो ड्राई वेस्ट की होनी चाहिए। अब ऊपर से इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे और रख देंगे 3 मंथ्स के लिए धूप में। तो देखा कितना आसान है होममेड कंपोस्ट बनाना। अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं तो इस कंपोस्ट को ज़रूर बना के रखें, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट DIY शेयर करते हैं। ये है कंक्रीट और हम इसे करने जा रहे हैं पेंट बहुत ही आसान तरीके से। घर का बचा हुआ ये वाइट पेंट रखा था, अब इस कंक्रीट को इसमें डाल के अच्छी तरह से शेक कर लेंगे और इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। इस टाइप के कलरफुल स्टोन्स देखा होगा ऑनलाइन, काफ़ी महंगे मिलते हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से पेंट करके घर पे ही बना के रख लेते हैं। इस कलरफुल स्टोन्स का यूज़ मैक्सिमम लोग प्लांट्स जब लगाते हैं तो मिट्टी को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम में डालने के लिए और मिनिएचर को भी डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए हमने व्हाइट एंड ब्लू शेड में स्टोन को कलर कर लिया है। अब इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा और हम इस स्टोन को इसलिए कलर कर रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं मिनिएचर में। चलिए अब हम आप लोगों से बताते हैं कि सकुलेंट प्लांट्स को इजीली आप घर पे कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये ईंटें हैं, अब हम इन सारे ईंटों को तोड़ करके बनाने वाले हैं परलाइट। देखो मार्केट में तो हर एक चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर विंडो शॉप, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहते हैं कि कम पैसे में हमारा काम बन जाए, इसलिए जो भी मैं बनाती हूँ स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं शेयर भी करती हूँ। सो देखिए यहाँ पे हमने ईंटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, अब हम इसे स्ट्रेनर में अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और जितना भी डस्ट होगा उसे हम फेंक देंगे। दूसरी चीज़ हम लेंगे ये थर्माकोल, जो कि हर एक घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस वाले में मेरा कप का सेट आया हुआ था तो इसे हमने रखा था, तो सोचा अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे सामान आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या फिर क्रॉकरीज का सामान हो, थोड़ा बहुत घर में पड़ा ज़रूर मिल जाता है। तो देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से थर्माकोल को तोड़ लिया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सकुलेंट प्लांट्स के लिए ये थर्माकोल बहुत ही अच्छा काम करता है। नर्सरी में जो परलाइट मिलता है या फिर ऑनलाइन जो मिलता है, सेम वही काम ये भी करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि परलाइट होता क्या है। ज्वालामुखी से निकलने वाली रॉक्स से बनाया जाता है, उसमें से जो रॉक्स निकलती है उसे हाई हीट पे रखा जाता है, देन उसे ग्राइंड कर लिया जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, हाथ से ही रब करने पे टूट जाता है। ये मिट्टी के ऑक्सीजन को बहुत ही अच्छा बना के रखता है और ये सारे काम परलाइट के अलावा ये थर्माकोल भी करता है। दूसरा है ये कोकोपीट, इसे हमने ऑनलाइन मंगवाया था, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोकोपीट की ये खासियत है कि ये मिट्टी से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। बरसात के मौसम में और गर्मियों में ज़्यादातर प्लांट्स में फंगस लगने के चांसेस होते हैं, तो अगर हम मिट्टी में 20% कोकोपीट मिक्स करके प्लांट्स लगाते हैं तो फंगस लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगस है, ये प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जितना हमें प्लांट्स के लिए चाहिए था उतना हमने ले लिया है, देन हम इसमें डाल रहे हैं पानी एंड आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से इसमें एब्जॉर्ब कर गया। पानी डालने के बाद इसकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाती है। अब हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं सिलाई मशीन का बॉक्स जो यूजलेस था, तो इसमें हम लगाने वाले हैं सकुलेंट प्लांट्स। इसके चारों साइड को हमने ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया है और इस तरह से पास पास में होल कर दिया है जिससे कि ड्रेनेज अच्छे से हो जाए। और अब हम फाइनली बनाने जा रहे हैं सकुलेंट प्लांट्स के लिए मिक्सर। इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं ये सैंड, जो मोटी बालू होती है आसपास कंस्ट्रक्शन वाले एरिए में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, इससे पानी का ड्रेनेज बहुत ही अच्छा रहता है। 50% अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कोकोपीट,
20% हम इसमें ऐड करेंगे गोबर की खाद, 20% ऐड करेंगे ये ग्रेनुअल जिसे हमने ईंटे से तोड़ के बनाया है, 20% ऐड करेंगे ये थर्माकोल जो कि परलाइट का काम करेगा, एंड लास्ट 10% ऐड करेंगे ये मिट्टी। एंड मेक श्योर सकुलेंट प्लांट्स का मिक्सचर बराबर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली सकुलेंट्स प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, मतलब आपको बहुत ही छोटा सा प्लांट मिलेगा 350-400 की रेंज में, तो इसलिए इसकी पॉटिंग बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि जल्दी ये लग नहीं पाता है लोगों से। ये जो प्लांट है पानी बहुत ही कम लेता है, मतलब 15 दिन महीने में सिर्फ थोड़ा सा शावर करना होता है, जो लोगों को पता नहीं होता है। जब दिखते हैं सॉइल सूख गई है तो पानी डालने लगते हैं और फिर जिससे क्या होता है कि प्लांट सारे सूख जाते हैं। सो जब भी इस प्लांट को लगाएं जिस तरह से मैंने बताया है, इस तरह से पॉटिंग मिक्स करके लगाएं, एंड पानी का आप खासकर ध्यान दें, महीने में सिर्फ एक बार थोड़ा सा ही डालें, इससे आपके प्लांट्स हमेशा अच्छे रहेंगे। इस वाले भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम इसे मिनिएचर बनाने वाले हैं, तो उसका वीडियो हम आगे आप लोगों से शेयर कर देंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ आप लोग को हम बता रहे हैं कि सकुलेंट प्लांट्स घर में किस तरह से लगा सकते हैं। और ये है हमारे सकुलेंट प्लांट्स। अब है इसका सबसे मेन काम कि इसको पॉट से निकालते कैसे हैं। सो बहुत ही ध्यान से देखें, केयरफुली इसे निकालना होता है, पीछे से इस तरह से करें। उसके बाद रूट्स में जितनी भी मिट्टी लगी हुई है अच्छी तरह से साफ कर दें, देन आप लाइट हैंड से इसे रख दें और चारों साइड से इसके रूट्स को कवर कर दें। बहुत ही लाइट हैंड से इसे लगाना है। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए सारे प्लांट्स को लगा देना है। एक बार फिर से इस मिक्सचर के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि फर्स्ट हमने इसमें जो सैंड यूज़ किया है उससे इसका ड्रेनेज अच्छा रहेगा, सेकंड इसमें जो हमने कोको पीट यूज़ किया है उससे इसमें किसी तरीके का फंगस नहीं लगने पाएगा और नमी को बना के रखेगा, थर्ड थर्माकोल का हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये परलाइट का काम करेगा जिससे कि मिट्टी का ऑक्सीजन एंड कंडीशनर बना रहेगा, एंड लास्ट ग्रेनुअल भी इसी तरीके का काम करेगा, ड्रेनेज और नमी को बना के रखेगा। तो जितने भी सकुलेंट्स प्लांट्स थे हमने इसमें लगा दिए हैं। अब ये जो छोटा सा एलोवेरा है सोच रहे हैं इसे भी हम लगा दें क्योंकि ये प्लांट भी सकुलेंट प्लांट में ही आता है, तो इसलिए हमने इसे इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी और रख देते हैं सनलाइट में 2 दिन के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तब हम इसे रखेंगे इनडोर साइड। होप सो आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।